अरे अरे अरे, बस बस बस, अब क्या नहला दोगे इसे यहीं पे? और आप सब लोग अपनी अपनी जगह चुपचाप जाके बैठो, समझे? इतनी बार समझाया है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा जब तक कि उसे असली जिंदगी में इस्तेमाल करना नहीं सीख लेते। ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं है, चिल्ला के भागना भी नहीं है, और छुट्टी छुट्टी चिल्ला के तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? तीन आसान स्टेप्स। सबसे पहले सांस को महसूस करेंगे, और अगर महसूस ना हो तो अपने दोनों हाथों से अपने हार्ट, जो कि हमारी बाई यानी लेफ्ट साइड पे होता है, उसे दबाना है जल्दी जल्दी, और साथ ही साथ मुंह से सांस देने की भी कोशिश करनी है। हाँ, और इसी बीच कोई एम्बुलेंस को भी कॉल करेगा। आगे से अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा याद रखना। तुम दोनों यहाँ आओ। अरे आओ यहाँ। कौन, मैं? हाँ हाँ, तुम आओ। ये लो, ये एक तुम्हारी अच्छी एक्टिंग के लिए। शाबाश बेटा, पहले ऐसे बच्चे हो जो इस टेस्ट में पास हुए हो। ये लो चॉकलेट। लेकिन बेटा, तुम्हें पहली बार देखा है यहाँ? पहली बार ही आया हूँ। जल्दी जल्दी चाय लो, मुझे और भी जगह जाना है। तुम चाय? हाँ, वो पापा की तबीयत खराब है ना, तो आज मुझे ही आना पड़ा। पर आज की चाय अच्छी नहीं होगी, माँ ने जल्दी जल्दी में बना दी। ओ, तो तुम संतोष जी के बेटे हो। क्या नाम है तुम्हारा? ढोलू। ढोलू? अच्छा ढोलू, तुम स्कूल नहीं आते? मैं स्कूल आऊंगा तो बाबू को कौन संभालेगा? बाबू? वो मेरी छोटी बहन, बोलना कुछ आता नहीं, सारा दिन रोती रहती है। अच्छा ढोलू, तुम रहते कहाँ हो? पापा से शिकायत करोगे? मैंने पहले ही बोला था आज की चाय अच्छी नहीं होगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है, उसी की तारीफ करने आना है। ये स्कूल के बगल में भट्टा है ना, वहीं पे रहते हैं हम। अच्छा वहाँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। अगर चाय अच्छी बनी तो एक चॉकलेट और दे दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लो। अभी तक मुझे काम जाने में देरी हो रही है। एक काम कर, तू निकल, मैं संभालता हूँ बच्चे को। अरे
आप कैसे संभालोगे? आप बीमार हो। आ तू निकल, तुझे देरी हो रही है। अरे आ गए तू। क्या रे इतनी देर? शाबाश बेटा, पहले ऐसे बच्चे हो जो इस टेस्ट में पास हुए हो। लेकिन बेटा तुम्हें पहली बार देखा है यहाँ। पहली बार ही आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? डोलू। तुम चाय? हाँ, वो पापा की तबीयत खराब है ना, तो आज मुझे ही आना पड़ा। अच्छा डोलू, तुम स्कूल नहीं आते? मैं स्कूल आऊँगा तो बाबू को कौन संभालेगा? अच्छा सुनो, ये ढोलू का घर कहाँ है? ढोलू? अरे मैडम जी, आप? अरे संतोष जी, यहाँ के संतोष जी, इसने क्या किया? क्या क्या किया तूने? नहीं नहीं, इसने कोई गलती की है क्या? अरे मैं माफी मांगता हूँ। अरे संतोष जी, कुछ नहीं हुआ है, इसने कुछ भी नहीं किया है। आप यहाँ कैसे? वो बस जब से ये चाय देकर गया है तब से कुछ चीज परेशान कर रही है। नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? आपको नहीं लगता कि पढ़ने लिखने की उम्र में ये घर पर अपना समय बर्बाद कर रहा है? मतलब? मतलब कि जिस उम्र में इसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वहां पर ये चाय की केटल लेके यहाँ वहां घूम रहा है। आपको नहीं लगता कि इसे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए? ये पूरी जिंदगी इसी ईंट भट्टे में बितानी है। मैडम जी, भट्टी में काम कोई शौक से नहीं करता। इसीलिए कह रही हूँ संतोष जी कि पढ़ाओ इसे, इसमें काबिलियत है और शायद अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी भी। जिस उम्र में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, वहां पर ये एक छोटी सी बच्ची का ख्याल रख रहा है। मैडम जी, अगर ये ख्याल नहीं रखेगा तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? क्यों, इसकी माँ भी तो होगी, कहाँ है माँ? मिट्टी खोद रही होगी, नहीं जाती तो मालिक डांटते। मैडम जी, आप पहले नहीं है जो ये सलाह दे रहे। हर महीने हर दिन कोई नेता समझदार आदमी हमें यही सलाह देता, यहाँ भट्टी पे काम क्यों कर रहे हो, बेटे को पढ़ाओ, उसे बड़ा बनाओ। लेकिन घर में चूल्हा भी जलना जरूरी है और एक छोटा बच्चा है, उसे भी संभालना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बाहर महंगाई है या सस्ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो सब महंगा ही है, इसीलिए काम पे तो जाना ही पड़ेगा। संतोष जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। मैडम जी, सलाह सभी लोग देते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं देता। मैं निकलती हूँ संतोषी।
अरे तू यहाँ क्या कर रही है, स्कूल नहीं गई? आप यहाँ काम करते हो, मैं वहाँ स्कूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज से मैं आपके साथ रहूंगी और आपके लिए चाय, खाना सब कुछ बनाऊंगी। एक झापड़ लगाऊंगा अभी, आगे से स्कूल न जाने की बात की तो। देख तुझे अच्छा नहीं लगता ना मैं यहाँ काम करता हूँ? नहीं। तो फिर तू वादा कर कि इतनी पढ़ाई करेगी कि एक दिन टीचर बन जाएगी। जिन बच्चों को पढ़ाई छोड़कर ये काम करना पड़ता है उन सब बच्चों को पढ़ाओगी, वादा कर। क्या देख रही है, 10 बजे काम पे नहीं जाना है क्या? नहीं, कुछ कान करके आई है क्या तू? एक दिन मैंने आया तो झगड़ा बिगड़ा तो नहीं किया ना किसी से? नहीं। अरे यार मेरी ही गलती थी, मुझे आना ही चाहिए था तेरे साथ। चल मैं आता हूँ, तबीयत अभी ठीक है मेरी। रुको जरा, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। स्कूल? अरे बेटा लंच टाइम के बाद देते है चाय। वो तो आप दोगे ना? ये समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अरे मैडम जी, संतोष जी आपने कहा था ना कि समस्या हर कोई गिनाता है पर समाधान कोई नहीं देता, तो बस उसी की कोशिश हो रही है। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कि आज से हमारा ढोलू स्कूल जाएगा। लेकिन मैडम जी बच्चे को कौन संभालेगा? माँ। माँ? अरे बेटे मैडम जी इसके काम पे बच्चे को ले जा नहीं सकते। नए काम पे ले जा सकती है। नया काम? हाँ नया काम। मैडम जी ने स्कूल के बच्चों के लिए खाना बनाने का और उनकी देखभाल करने का नया काम मुझे दिया है। और अब हमें खाने की भी चिंता नहीं, माँ उधर अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, मैं पेट भर खाऊंगा और दूसरे बच्चों के साथ भी खेल पाऊंगा। बिल्कुल, और आज से आपको खाना मिलेगा या नहीं इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आज से ये स्कूल में खाना बनाने का काम करेंगे और ढोलू पढ़ाई। लेकिन मैडम जी मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे भी बताइएगा। संतोष जी आप बस अच्छी चाय पिलाते रहिएगा। स्कूल जाएगा बेटा, स्कूल जाएगा। आखिर हमारे देश का भविष्य है न भूखा रहेगा और ना ही पढ़ाई से दूर। चले।